हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक्स में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के हिस्ट्री, लाइंस, लाइन सेगमेंट, कोरोलरी थ्योरम, इन चीज़ों के बारे में सीखे थे। आज हम लोग पहले रेक पढ़ेंगे। रेक क्या है? अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। कोई लाइन सेगमेंट को इंडेफिनिटली अगर बढ़ाएं इन वन डायरेक्शंस, देन द फिगर ऑब्टेंड इज कॉल्ड रे। हियर देखिए आप, ये जो लाइन है रे, ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट है। अगर आप इसमें एरो लगा देते हैं तो इस एरो का मीनिंग है ये इस डायरेक्शन में इंडेफिनिट लेंथ तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दिस इज अ रे। रे लिखने वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे आप यहाँ पे ए बी रे लिखे हुए हैं, अब दूसरा अगर रे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे बी ए है, तो इस रे को हम लोग कैसे लिखेंगे? बी ए लिखेंगे और इस पे रे का सिंबल देंगे और इस रे के लिए ये देंगे। तो ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस तरफ एरो होता है। जैसे ए के तरफ जा रहा है तो बी से ए के तरफ लिखेंगे एरो। इसमें ए से बी के तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए से बी के तरफ एरो दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद है हाफ लाइन। हाफ लाइन क्या होता है? इफ़ वी टेक ए पॉइंट ऑन ए लाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी एक लाइन है और उस पर एक पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट क्या है? सी है। अगर आप इस सी को डिलीट कर दें, मतलब उसको वहाँ से हटा दीजिए, वो पार्ट ना तो इधर है ना उधर है, वो सी को आप जब हटा दीजिएगा तो दो पार्ट बचेगा, एक सी के इधर वाला पार्ट और एक सी के उधर वाले पार्ट। तो इच पार्ट विल बी कॉल हाफ लाइन। इफ वी टेक ए पॉइंट ऑन ए लाइन एंड डिलीट द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, देन द रिमेनिंग इच पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी कॉल हाफ लाइन। ये भी एक हाफ लाइन कहलाएगा और इधर का भी हाफ लाइन कहलाएगा जिसमें सी पॉइंट डिलीटेड है। अब दूसरा है हाफ प्लेन। इफ वी टेक ए लाइन ऑन ए प्लेन, जैसे कि अभी ये बोर्ड एक प्लेन है, आप ये लाइन लेते हैं तो मान लीजिए कि ये जो लाइन लिए आप पूरा इंडेफिनिट लेंथ तक ले लिए, क्योंकि ऐसे एरो का मीनिंग ही है इंडेफिनिट लेंथ तक। तो ये इंडेफिनिटली इस तरफ प्रोड्यूस होगा और वो इंडेफिनिटली उस तरफ प्रोड्यूस होगा, ये एंड होने वाला नहीं है। तो ये बोर्ड जो एक प्लेन है इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इफ वी टेक ए लाइन ऑन ए प्लेन एंड डिलीट द लाइन, अगर इस लाइन को डिलीट कर दे, मतलब जो लाइन जहाँ पे है उस वाले पोर्शन को डिलीट कर दीजिएगा, तो एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट बचेगा। और इच पार्ट विल बी कॉल दिस इच पार्ट, मीन्स डाउन वाला पार्ट और अप वाला पार्ट विल बी कॉल हाफ प्लेन। इसी तरीके से आप अगर लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, तो ये प्लेन का इस वाले भाग और इस वाले भाग, जब ये लाइन डिलीट कर दिया जाए तो वो हमारा कहलाएगा हाफ प्लेन। हाफ मीन्स प्लेन का आधा होता है। तो प्लेन कब हाफ होगा? जब उसका कुछ पोर्शन, मतलब जो लाइन जहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है उस पोर्शन को डिलीट किया जाए। तो अब है लाइन से रिलेटेड कुछ एक्जियम्स। पहला है ए लाइन हैज इन्फिनेटली मैनी पॉइंट। हम लोग जानते हैं एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं, वी कैन नॉट काउंट। अगर हम लोग दो पॉइंट लेते हैं तो उसके भी बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। यानी कि एक लाइन, ए लाइन हैज इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। दूसरा है फ्रॉम ए पॉइंट इन्फिनाइटली मैनी लाइन कैन पास, जैसे एक पॉइंट यहाँ लिए और इससे हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइटली अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम सब में, और हमको लगता है कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकता है। तो एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन या कैन पास, एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास होगा। थर्ड नंबर पॉइंट है फ्रॉम टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, जैसे दो पॉइंट लिए, एक यहाँ और एक ये, एक पॉइंट ये और ये, तो इन दो पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे ये जैसे ए बी लाइन जा रहा है इस पॉइंट ए और बी से, तो इन दोनों पॉइंट से नेक्स्ट कोई और भी हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों से पास होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे प्रूफ करने में भी काम आएगा कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग अब कुछ और डेफिनेशन सीखते हैं। फर्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। इफ थ्री और मोर पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन, तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन पे हो, उन सारे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। सपोज मान लीजिए एक लाइन है और इस पर ए बी सी डी, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ है, सेम लाइन पे है। सेम लाइन मीन्स कोलिनियर, कोलिनियर का मीन्स लाइज, दे लाइज ऑन सेम लाइन। टू और मोर लाइन, थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाइ ऑन सेम लाइन आर कॉल कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन्स हैविंग ए पॉइंट इन कॉमन, दो लाइन है ठीक है, मान लीजिए कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं और इसका एक कॉमन पॉइंट है, मतलब एक मान लीजिए कि ये ओ पॉइंट है जो ए बी पे भी है और सी डी पे भी है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, अगर दो लाइन है और उसका एक कॉमन पॉइंट हो तो हम उन दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग मीन्स दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है कंकरेंट लाइन। अगर एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास होता है, इन सारे लाइन को हम लोग कंकरेंट लाइन बोलेंगे। हाँ, थ्री हम लोग ये कह सकते हैं ऑल द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ऑल द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट आर कॉल कंकरेंट लाइन। तो हियर दिस ऑल लाइन व्हाट आई हैव ड्रोन एल एम एन पी, तो ये सारे लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, सो ये सारा लाइन क्या है, कंकरेंट है। और इस जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है, मान लीजिए सपोज ये ओ पॉइंट पे मिल रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस मीन्स वेयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस, दिस लाइन आर कॉल कंकरेंट लाइन, और जहां पे ये मिल रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलेंगे। पैरेलल लाइन, टू लाइन एल एंड एम इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, मीन्स आप देखें कि हियर दिस टू लाइन हैव द वन पॉइंट इन कॉमन, सो दे आर इंटरसेक्टिंग। एंड इफ यू आर ड्रॉइंग टू लाइन एंड सपोज देयर बी मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, देन दे बोथ लाइन विल लाइज वन अपॉन अदर, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट या बोलिए कोइंसिडेंट पॉइंट लाइन, वो दोनों लाइन एक ही एक के ऊपर हो। अगर दो लाइन है लेकिन उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, देखिए इस केस में टू या उससे ज़्यादा पॉइंट कॉमन है तो वो कोइंसिडेंट बोलेंगे, कोइंसिडेंट बोलेंगे। और अगर वो एक पॉइंट पे मिल रहा है तो हम लोग इंटरसेक्टिंग कहेंगे। और अगर दो लाइन है और उसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मीन्स दे विल नेवर मीट, अगर आप इधर भी बढ़ा देते हैं और इधर भी बढ़ा देते हैं तो दे विल नेवर मीट, देन वी विल कॉल देम पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, देखिए ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्यों, ये अभी तो इसके पास हम लोग कॉमन पॉइंट नहीं देख रहे हैं, बट व्हेन इट विल बी प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन इट विल मीट एट सम पॉइंट, एट ए पॉइंट, सो ये पैरेलल नहीं है। और इसका रीजन क्या है कि हियर द गैप इज लेस, हियर गैप इज मोर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन इज नॉट ऑलवेज इक्वल, सो दिस टू आर ऑल्सो नॉट पैरेलल लाइन, दिस टू आर पैरेलल बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। और ये कॉमन नहीं है लेकिन हो जाएगा कॉमन अगर उधर उसको बढ़ाया जाएगा, तो सो ये क्या हो गया, नॉट पैरेलल। अब एक पॉइंट जो है पैरेलल लाइन एक्जियोम्स है कि सॉरी लाइन से रिलेटेड एक्जियोम है कि ओनली वन लाइन
कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट इन ए प्लेन, पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई एक प्लेन में दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो केवल उससे एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। इस चैप्टर के जो मेन डेफिनेशन वगैरह था हम लोगों को पढ़ना, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब जो एग्जियम्स पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ा है, उस पोस्टुलेट्स और एग्जियम का लेकर के एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आपका ये आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज है 6। सो पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं।